बंदे का मोबाइल इधर खो गया है। गुस्सा तो नहीं करो अंकल। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का हमारा व्लॉग फिर से यूनिवर्सिटी पे होने जा रहा है, क्योंकि मुझे पिछले यूनिवर्सिटी वाले व्लॉग में कुछ कमेंट्स मिले थे कि यूनिवर्सिटी पूरी दिखाओ। तो ज़रूर भाई, हम पूरी दिखाएंगे आपको यूनिवर्सिटी। तो आज हम आपको पूरी यूनिवर्सिटी दिखाने जा रहे हैं, तो पूरा व्लॉग देखना। और हर बार की तरह फिर हम लेट हो चुके हैं, तो चलते हैं भाई। तो भाई इस वक्त हम पहुंच चुके हैं सर सैयद यूनिवर्सिटी। इस वक्त हम पार्किंग में खड़े हुए हैं। तो पिछली बार मैं बस में आया था, इस बार मैं बाइक पर आया हूँ। इसके साथ ये मेरा क्लास फेलो है। तो आप सोच रहे होंगे वैसे कि मैंने यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहना, तो यार ये होता है समर चलता है, तो समर होता है ये, तो इसमें मर्ज़ी होती है यूनिफॉर्म पहनो नहीं पहनो। समर में वही सब्जेक्ट उठाते हैं जो जिसमें मामला थोड़े ख़राब हो जाते हैं, तो हमारे मामला थोड़े ख़राब हुए हैं। तो वही हमने एक एक सब्जेक्ट उठाए हैं, तो उसमें मर्ज़ी होती है यूनिफॉर्म पहने या ना पहने। तो इसको यूनिफॉर्म के बगैर इस बेचारे को पढ़ा नहीं जाता है, बहुत मेहनती बच्चा ही है। तो चलते हैं, दिखाते हैं आपको आगे यूनिवर्सिटी। ये पार्किंग है, इस वक्त तो खाली है, वैसे समर के बाद ये भरी पड़ी रहती है। ये आ गया इंटर होने का गेट। भाई अभी हम इंटर हो चुके हैं, और इंटर होते ही यहाँ पे सामने कैंटीन है, देख सकते हैं आप, ये हमारी कैंटीन है भाई। और ये इसको भी पार्किंग ही समझ लें, ये ख़ास बंदों की पार्किंग है, ये टीचरों की पार्किंग है भाई, स्पेशल जो टीचरें होती हैं। ये मेन गेट है, ये आ गया भाई मेन ए बी ब्लॉक। ये भाई हमारा ब्लॉक आ चुका है। तो इस वक्त हम अपने डिपार्टमेंट एंटर हो चुके हैं, और ग्राउंड फ्लोर पे हमारी क्लास है। चलते हैं, यहाँ पे सारी क्लासें हैं। तो भाई इस वक्त हमारा एक पीरियड हो चुका है, थोड़ा सा ब्रेक मिला है, मतलब बीच में एक पीरियड नहीं है हमारा, हाँ डेढ़ घंटे का ब्रेक है। तो अभी हमें असाइनमेंट भी अगले पीरियड में जमा करवाना है, तो उसके लिए चलते हैं, फाइनल लेते हैं। चलो बाहर ही चलते हैं, वहीं से लेते हैं, वहाँ से चल जाते हैं बाहर। अच्छा हाँ, वहाँ पे है, सही है सही है, वो खुला हुआ है। चलो भाई यूनिवर्सिटी के अंदर से ही ले लेंगे हम। अंकल एक ग्रीन फाइल दे दो। गुस्सा तो नहीं करो अंकल, गुस्सा तो नहीं करो यार। ये मेरा प्यार है। अच्छा तो समझ में है नहीं मेरी जिंदगी के। अच्छा अच्छा, मैंने तो और समझा के बोले, मैं तो तैयार था, उसको आवाज भी लगाई थी। अच्छा ले लो भाई, छोड़ेंगे। चलो अभी दे दो, मसला नहीं है। ग्रीन नहीं है क्या? नहीं ग्रीन ही चाहिए। ये आ गई हमारी ग्रीन फाइल। नहीं नहीं सिर्फ यही है। चलो दे दो, टाइटल पेज भी दे दो। A4 लेना है नहीं लेना? ले लूं। कितने लूं? दो क्यों, एक में आ जाएगा ना। और 6 A4 पेपर भी दे दो। और 6 ही होगा आपके, 10 ही होगा, 45 से 65। इस वक्त हम सर सैयद यूनिवर्सिटी की बहुत ही मशहूर गली से गुजर रहे हैं, जिसका नाम है प्रेम गली ऑफ यूनिवर्सिटी। ये है गली, और ये अभी नया कैंटीन बनने जा रहा है इधर प्रेम गली के बिल्कुल पड़ोस में। बंदे का मोबाइल इधर खो गया है, बंदा बेचारा ढूंढ रहा है, वैसे है तो इसके पास। वो देखो हालत ख़राब हो रही है बंदे की, और मोबाइल हमारे पास छुपाया है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।
ये देखो अपने बैग में मोबाइल छुपा दिया था हमने इसके, और ये ढूंढ रहा था। अब तो है भी तो यार, आईफोन अभी लिया यार। दिखाओ आईफोन है, किडनी बेच कर लिया यार। ये देखो किडनी, अच्छा वो किडनी, ये देखो किडनी, चाइना वाला आईफोन। और यहाँ बेसमेंट में लाइब्रेरी है, ये रही लाइब्रेरी। तो भाई लाइब्रेरी में इस वक्त अलाव नहीं है, तो हम वापस से बाहर आ गए, तो आपको बाकी चीज़ें दिखाते हैं अब। ये यूनिवर्सिटी की एटीएम मशीन, एटीएम, और ये माई कार्ड डॉट पी के वेंडिंग मशीन यहाँ पे। निकालो निकालो, किस तरह निकालने हैं भाई, पैसे दे के निकालो। एक वेंडी मशीन यहाँ पे पड़ी हुई है। तो भाई इस वक्त हम यहाँ पे बैठ के कुछ टिकटॉक विकटॉक बना रहे हैं। हमारे इसको ये पढ़ाकू भाई है ना, इसको टिकटॉक का शौक चढ़ गया है, तो अभी ये यूनिवर्सिटी में टिकटॉक भी बना रहा है। ये हमारा कैमरामैन खड़ा हुआ है, मौलवी साहब, मौलवी साहब। और इस वक्त हम आए हुए हैं सर सैयद की आर्ट गैलरी में, और इधर टीम के डब्बे भी बज रहे हैं, जिसकी आवाज़ आपको गूंज रही होगी हर जगह से, वो ये रहे। और ये इधर आर्ट बने हुए हैं, आर्ट सिंधी, ये चेक करें। और ये बस इतना सही है। इस वक्त हम जी ब्लॉक के बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं, और यहाँ पे सर सैयद का और अलीगढ़ का बॉर्डर है। ये रहा, फुल सिक्योरिटी होती है यहाँ पे। और ये रहा जी ब्लॉक। आज जुम्मे का दिन है, तो जुम्मे की नमाज़ भी पढ़नी है। और इधर मस्जिद है, छोटी सी मस्जिद बनी हुई है, यहाँ पे वज़ू खाना है, और यहाँ पे ऊपर थोड़ी सी ऊपर मस्जिद भी बनी हुई है। तो लेकिन इधर बाजमात नमाज होती है, लेकिन जुम्मे की नमाज़ फिर हमें बाहर पढ़नी होती है, तो जुम्मे की नमाज़ हम बाहर पढ़ेंगे। और ये रहा सर सैयद का बैंक, और यही वापसी का रास्ता। और ये सामने अलीगढ़ है। हाँ सेब वाले भाई, कितने रुपए किलो है? 100 रुपए किलो। लड़ रहे हैं या क्या बेच रहे हैं ये? क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? हम इसके बारे में कहना चाहेंगे कि मस्जिद के से जैसे ही नमाज ख़त्म होती है, वैसे ही दुआ हो रही होती है मस्जिद में, इमाम साहब मस्जिद में दुआ करवा रहे होते हैं। यही बार जो ठेले वाले, फ्रूट वाले जो बेचते हैं, इनको ये नहीं करना चाहिए, नमाजियों को आना चाहे देखना चाहिए आए वो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। फिर जब बिल्कुल ही मस्जिद खाली हो फिर अपना वो करें। अच्छा, इतना शोर वोर मचाते हैं ये लोग। तो मस्जिद खाली होगी फिर वो बेचेंगे किसको? मकसद जैसे पूरा नमाज, नमाज के बाद जो दुआ वगैरह वो जब खत्म हो जाए, मस्जिद खाली हो जाए। नहीं, जब दुआ खत्म हो जाए फिर ये वो करें।
अब ये तो 100 रुपए का 2 किलो बिल्कुल बिल्कुल यार, हम आपके साथ है यार। अभी हम जुम्मे की नमाज पढ़ के इधर आए, कुछ छोटा मोटा कुछ खाएंगे पिएंगे फिर घर जाएंगे। चले भाई भाई, आज का हमारा व्लॉग यहीं पे एंड होता है। तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हर बार की तरह अगर कोई मिस्टेक हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। हाँ आप बोलो, और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी क्लिक करें। बस अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।